करौली जिले में युवक पर फायरिंग करने के मामले में फरार चल रही आरोपी युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करौली पुलिस सूचना पर जयपुर की रामनगरी पुलिस ने रेखा डाउन को गिरफ्तार किया था और गुरुवार करौली की कोतवाली पुलिस आरोपी युवती को रामनगरिया थाने से लेकर करौली आई। मामले पर कोतवाल थानाधिकारी डॉक्टर उदयवान ने बताया कि 29 नवंबर को अंजनी माता मंदिर के पास दो युवतियों समेत 6 लोग शराब पी रहे थे और इस दौरान स्कूल से घर लौट रहे छात्र ने उनको टोका तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी थी। इसी दौरान छात्र की पीठ में गोली लगी। मामले की जांच के दौरान आरोपियों में रेखा डाउन सहित 6 लोगों की पहचान हुई और पुलिस ने एक युवती और 3 युवकों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इस पूरे मामले में रेखा डाउन को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेखा डाउन के खिलाफ करौली, कुड़गांव और जयपुर में 3 मामले दर्ज है और कोतवाल थाना पुलिस अब रेखा डाउन से पूछताछ कर रही है।